हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जंक्शन। और आज की वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से एक्सरसाइज 1.3, जिसमें सभी 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। दैट इज 10th क्वेश्चन, प्रूफ दैट √3 + √5 इज इरेशनल। ठीक है, आपने सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन तो देखे होंगे, दैट प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल, √5। अब ये कंबाइन करके आपको दे दिए, तो इसमें क्या करना है, प्रोसीजर सेम रहेगा, जस्ट थोड़ा सा चेंज रहेगा, तो वो हम क्वेश्चन करेंगे तो आप देखोगे। तो सबसे पहला स्टेप ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि हम एज्यूम करते हैं जो भी हमें गिवन है वो रैशनल है, ना कि इरेशनल। सो लेट अस अज्यूम दैट √3 + √5 इज रैशनल। ठीक है, अगर वो रैशनल है तो √3 + √5 a/b के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे लिखते हैं हम, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स। ठीक है, यानी HCF a, b इज इक्वल टू 1, यही हम लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में से किसी एक को दूसरी साइड भेज देंगे, जैसे मैं √3 को यहीं रखूंगी एंड √5 वहां जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करते हैं, तो सेम हम यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे। सो जब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √3² इज इक्वल टू a/b माइनस √5 का होल स्क्वायर। राइट, तो ये √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3, एंड ये क्या बन जाएगा, a² / b² + 5 माइनस √5 a/b। राइट, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इधर भेज देंगे, राइट, एंड इसको इधर भेज देंगे, तो हम शिफ्टिंग कर देंगे, तो ये बन जाएगा √5 a/b इज इक्वल टू a² + b² + 5 - 3 = 2। तो हम इसको इस वे से कर देंगे। एंड नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हम a और b एंड 2 को भी उधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, एंड हम सिर्फ √5 को इधर रखेंगे, तो √5 यहाँ रहेगा। पहले हम इसका जरा एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, a² + 2b² / b². ठीक है, अब हम सेंड करते हैं। ठीक है, b ऊपर जाएगा, a² + 2b². ठीक है, एंड हमारे पास 2a नीचे आ जाएगा। सो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी स्टेटमेंट, एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें पता है कि जो √5 है दैट इज इरेशनल, बट जो राइट हैंड साइड है स्टेटमेंट की, दैट इज b, ठीक है, a² + 2b² / 2a, ये बने हैं रियल नंबर से। ठीक है, एंड ये रैशनल है। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर से बने हैं तो ये रैशनल हो जाएगा। राइट, तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आर अजम्पशन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ठीक है, दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, सो वी कैन से दैट √3 + √5 इज इरेशनल एज अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने अज्यूम ही गलत किया है कि √3 + √5 रैशनल है, ये दोनों इरेशनल है। ठीक है, एक बार हम फिर से रिव्यू करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहां पर आपने अज्यूम कर लिया कि ये रैशनल है, अगर ये रैशनल है तो ये a/b के इक्वल हो जाएंगे, और a और b को प्राइम्स हैं, इनका HCF 1 है। ठीक है, सो यहाँ आपने √5 को वहां ट्रांसफर कर दिया, फिर आपने स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दी, तो इस तरह से स्क्वेयर करने के बाद आपने √5 को इस साइड पे अकेले रखा, 2a/b को उधर ट्रांसफर कर दिया, एंड हमारे पास ये इक्वेशन मिली। एंड इस इक्वेशन में आपने देखा दैट ये साइड रैशनल है, बट ये तो हमें पता है कि ये इरेशनल होता है √5, तो दिस मीन्स दैट आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, एंड हेंस √3 + √5 इज इरेशनल। तो इस वे से हमारा ही क्वेश्चन प्रूव हो गया, एंड काफी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो यू शुड नोट डाउन द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, इफ यू डिड देन हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई वुड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।